देखो राहुल गांधी को अब कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान लेता नहीं, और उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता, उनका जनता से संपर्क संवाद, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमेशा रहा है। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल की बात पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं। हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा बसपा रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी, सबके गठबंधन के बाद इस प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते, 16 सीटें बीजेपी हारी थी, 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए थे। हम विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा की जीतेगी। देखो दो चीज़ें, हम तो हमेशा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता में उनकी उपस्थिति, दुख दर्द में हमारा उनसे संबंध, और हमारी सरकारों ने जो काम किए, मोदी जी की सरकार ने 8.5 साल में और राज्य की सरकार ने 5.5 साल में, हम उन कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे। अखिलेश की उपस्थिति कहाँ है, राहुल जी कहाँ हैं, उनकी बहन कहाँ है, बड़ी बहन जी कहाँ हैं, इसका मूल्यांकन मैं आपको छोड़ता हूँ। हमारी जनता से संवाद है, संपर्क है, जनता से बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गठबंधन और मोदी जी और योगी जी का गठबंधन है, तो हमें अपने गठबंधन पे, अपनी सक्रियता पे, अपने काम से, अपने लोगों के संपर्कों पे विश्वास है। हम इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे, पिछले 4 चुनाव जीते हैं, आगे भी निश्चित रूप से सारी सीटें बीजेपी जीते। पश्चिम के त्यागी नाराज हो गए, उनको समझाने कैसे? ऐसा हमारे परिवार का मामला है, अगर कोई गलती वलती हुई होगी तो उस पर समाधान करेंगे धीरे धीरे, कोई ऐसा विषय नहीं है, सबके प्रति आग्रह सम्मान है, लेकिन कानून अपना काम करेंगे। क्राइम गिर रहे, जो रिपोर्टें आ रही हैं, आप सारे पैरामीटर पे देखो, उस चाहे महिलाओं के अपराध के विषय में हो, चाहे और भी जो भी जिस प्रकार के अपराध हैं, सब में कमी आई है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हर जिले में अपने कार्यालय बनाए, बरेली में भी 3 मंजिला कार्यालय आपका शानदार बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी पार्टी को अपनी संगठन की बैठकें भी रिजॉर्ट और बाहर करनी पड़ रही है, इसकी क्या वजह है? नहीं, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम है, अगर ज़्यादा संख्या के कार्यक्रम बड़े होंगे तो सार्वजनिक स्थानों को करने पड़ेंगे, अभी कार्यालयों में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थोड़ी है जी। संगठन की बैठक में मुझे लगता है 5000 लोग, संगठन के लोग, संगठन की बैठक है आज की, आज की संगठन की बताई गई थी कि बस संगठन की बैठक है। नमस्ते। अच्छा एक चीज और जानना पाए, आज संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ करती है, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता के घर पे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स नहीं जाता, उन्हें डर लगता है। ऐसा है, सबके खिलाफ कार्रवाई, अगर गलत नहीं करा तो डर क्यों रहे? अगर किसी ने कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा तो क्या परेशानी है? सीबीआई जाओ, ईडी जाओ, विजिलेंस जाओ, कोई भी जाओ, अगर गलत काम करा है तो डरना उन्हें पड़ेगा जिन्होंने अनैतिक धन दौलत अराजकता गुंडागर्दी से पैदा की। सबके खिलाफ कार्रवाई हो, और कोई अगर गलत नहीं है, कोई निर्दोष है, तो किसी को कोई टच नहीं करेगा, किसी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक